अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां एक व्यक्ति के दिन दहाड़े अपहरण की सूचना से एरोड्रम इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय पुलिस के साथ आसपास की जिलों की पुलिस को भी अलर्ट किया गया। इधर पुलिस के आला अधिकारी मोबाइल की लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज तलाशते रहे। रात में पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया। गुरुवार दोपहर बाद खुलासा हुआ कि उक्त युवक को सीहोर पुलिस किसी आपराधिक प्रकरण में इंदौर से गिरफ्तार कर ले गई है। टीआई संजय शुक्ला के मुताबिक मामला हुजूरगंज का है। बुधवार को कबाठीपुरा का राकेश पुत्र घीसालाल अपने रिश्तेदार के यहाँ गमी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकला था। रास्ते में उसे बोलेरो में सवार कुछ लोगों ने रोका और गाड़ी में बैठा कर ले गए। कुछ लोगों ने देखा तो उन्हें माजरा समझ नहीं आया। बाद में राकेश के अपहरण की सूचना परिवार तक पहुंची, जहां सभी इकट्ठा होकर थाने आ गए। राकेश के परिवार के लोग कुछ फुटेज लेकर पुलिस के पास पहुंचे। बताया कि हुजूरगंज इलाके से सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी में उसे ले जाया गया है। पुलिस ने राकेश की हिस्ट्री निकाली तो पता चला कि उस पर 2-3 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को रंजिश के चलते अनहोनी की बात लगी। मोबाइल की डिटेल और गाड़ी की फुटेज निकालते हुए पुलिस बाईपास तक पहुंची। पुलिस को बाईपास के फुटेज से बोलेरो के भोपाल रोड की तरफ जाने की जानकारी लगी। बाद में पता चला कि उक्त गाड़ी इच्छावर और नसरुल्लागंज पुलिस की है। यहां से राकेश के बारे में जानकारी मांगी गई तो पता चला कि लाखों की ठगी और धोखाधड़ी के मामले में उसकी 2 थानों की पुलिस को तलाश थी। उसके वारंट भी निकले थे। इसके बाद से पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी। राकेश की लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी, जिसके बाद उसकी तलाश में इंदौर में भी मुखबिर को एक्टिव किया गया था। उसकी दिनचर्या की जानकारी निकाल कर उसे उठा लिया गया। मामले में एरोड्रम थाने के टीआई संजय शुक्ला ने बताया कि इंदौर पुलिस के अफसरों को बाहर की पुलिस की राकेश की गिरफ्तारी को लेकर कोई सूचना नहीं दी गई थी। इस मामले में इंदौर के अफसरों ने बाहर की पुलिस से सवाल जवाब भी किए। सूत्रों के मुताबिक राकेश ने वल्लभ भवन के नाम से फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लोगों से रुपए ऐंठ लिए थे। इस मामले में क्राइम ब्रांच उसे ढूंढ रही थी। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।